हमारा स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो हम उसका डेटा कैसे डिलीट करें? क्या कोई एक सिंगल क्लिक के अंदर कोई भी डेटा को डिलीट किया जा सकता है? हमारा लैपटॉप चोरी हो गया है तो हम उसमें से डेटा कैसे डिलीट करें? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे हो गए। हाजिर है आपका अपना बंदा टेक्निकल बंदा एक और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ होने वाली है। फ़ोन चोरी हो गया है तो उसको कैसे पाए, इसके लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपका काफ़ी अच्छा प्यार है तो उनको देख के अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हो। फोन चोरी नहीं हुआ है और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आपका फोन चोरी ना हो, उस पर भी वीडियोस बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिए। अब गाइज, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आपके लिए फोन मैटर नहीं करता लेकिन वो डेटा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, आप चाहते हो डेटा किसी के हाथ ना लगे, या अगर आपका लैपटॉप चोरी होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको आप चाहते हो किसी के हाथ ना लगे, तो वीडियोस को एंड तक देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरी वीडियोस देखने के बाद अगर लगता है कि हमने जेन्युइन मेहनत की है और आपको जेन्युइन रिप्लाई दिया, जेन्युइन वीडियोस बना के दिए, तो एक थम्स अप देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना है। जरूर, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा ब्यूटीफुलर। पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की। अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है, फाइंड माई डिवाइस पे सर्च करना है एंड अपने फोन से जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है उसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लास्ट लोकेशन बताएगा और स्वाइप डाटा या इरेज एवरीथिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, जब भी कोई भी सिम कार्ड उस फोन में लगेगा तो आपका डेटा नेट पाते ही ऑटोमेटिकली पूरा क्लीन हो जाएगा। आपका फोन, आपका कॉन्टैक्ट, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। आपका जो भी अकाउंट है वो सब क्लीन हो जाएगा सिंपल एक क्लिक के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा जेन्युइन तरीका है अपने फोन को वाइप कर देने का। वरना बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी होते हैं जिनको अगर आप पहले से इंस्टॉल करके रखोगे तब आप एक क्लिक के अंदर अपने पूरे डेटा को स्वाइप कर सकते हो, वाइप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पहले से डाउनलोड करके रखा है, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं जिसमें आपको ये फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर पाओगे। अब बात करते हैं लैपटॉप की। तो अगर आपका लैपटॉप चोरी हो गया तो आपको क्या करें? सबसे पहली बात तो डायरेक्ट कोई ऐसा मेथड मुझे नहीं पता चला, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया ये वीडियो बनाने से पहले, मुझे ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपको क्लियर कर दे व्हाट्सएप की सारी फाइल बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने। लेकिन अगर आप जेन्युइन एंटीवायरस यूज करते हो, जैसा कि मैं क्विकहेल यूज करता हूं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसकी मदद से आप एक टैप के अंदर पूरा अपना लैपटॉप वाइप कर सकते हो। तो मैं आपको ऑलवेज हर वीडियो में बोलता हूं कि अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखिए, एक अच्छा एंटीवायरस जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो नॉर्टन का हो, चाहे क्विकहेल का हो, या फिर ऐसे बहुत सारे केस है ऐसा एंटीवायरस है जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको पहले से अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता है। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लें तो किसी भी लैपटॉप से आप अपना जो आपका अकाउंट है वो उस वेबसाइट जाकर, क्विकहेल का मैं एंटीवायरस यूज करता हूं, तो आप रिमोटली उस चीज को एक्सेस करके लॉग इन करके अपने डेटा को स्वाइप अप कर सकते हो। जैसे आप कोई लैपटॉप पाएगा और उसने नेट कनेक्ट किया है, तुरंत आपका पूरा डेटा स्वाइप हो जाएगा। अदरवाइज जो भी कोई भी लैपटॉप पाता है या तो कोई चोरी करता है तो वो पहले फॉर्मेट करने के लिए सोचेगा। हाँ गाइस, डेफिनेटली फॉर्मेट करने के लिए सोचेगा, फॉर्मेट करेगा तो आपका डेटा तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। अगर नहीं करता है तो जैसे नेट कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली ये काम आपका एंटीवायरस कर देगा। और अक्सर कुछ अच्छे ब्रांडेड एंटीवायरस मैंने देखा है कि अगर आप दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको की उड़ालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही लंबा फीचर चला जाएगा, जो उस फील्ड से वो जानते होंगे कि अगर आप क्विकहेल का एंटीवायरस यूज करते हो तो एक बार अगर आप सिस्टम को फॉर्मेट मार दिया, अगर वही सेम मैक एड्रेस रजिस्टर है तो दोबारा जैसे ही आप लॉग इन करते हो ऑटोमेटिकली की डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एंटीवायरस अपना काम कर देता है। तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। काफी डिटेल में जाकर जेन्युइन वीडियोस आपको बताइए। तो अगर आपको लगा हो कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है तो हम सब देखकर हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना, कमेंट थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह आपका भाई टेक्निकल बंदा वन नाम से, तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज कुछ ना सीखते रहिए।